तो फ्रेंड वेलकम टू दिल्ली मेट्रो। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, जब भी आप मेट्रो के अंदर जाओगे, अगर दिल्ली में हो, अगर मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको ये वर्ड जरूर सुनने को मिलेगा मेट्रो के अंदर कि वेलकम टू दिल्ली मेट्रो। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो ऐप के बारे में, जिसका नाम बदल दिया गया है, जिसका लोगो भी बदल दिया गया है। तो कुछ दिन पहले ये DMRC के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल था, अभी क्या कि इसका नाम बदल के DMRC मोमेंटम 2.0 रख दिया गया है, जिसका लोगो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा प्ले स्टोर पे। जब भी आप DMRC मोमेंटम 2.0 सर्च करते होंगे या DMRC भी सर्च करते होंगे, तो ये जो लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लोगो के नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे DMRC मोमेंटम 2.0 ऐप के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चीजें अभी अपडेट हुई है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली वॉच करते हो, तो आई प्रोमिस कि आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी तरह की आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी एक लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना होगा और यहाँ पे उसके सर्च बार में आपको टाइप करना होगा DMRC मोमेंटम 2.0। यहाँ पे जैसे आप DMRC मोमेंटम 2.0 सर्च करोगे, आपके सामने यहाँ पे DMRC मोमेंटम 2.0 का जो एप्लीकेशन है दिखाई देगा। ये पहले DMRC के नाम से जाना जाता था एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा है व्हाट्स न्यू, एप्लीकेशन नेम चेंज, एप्लीकेशन नेम और लोगो दोनों यहाँ पे चेंज हो गया है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे, बट आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी ये जो इसका ऑफिशियल ऐप है DMRC मोमेंटम 2.0 के नाम से ये एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, तो इसका लोगो और नेम यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो रखी है। और अगर इस ऐप के प्रीव्यू की बात करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू दिल्ली मेट्रो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, QR टिकट एट योर फिंगर टिप्स, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एफर्टलेस एंड सिक्योर स्टोरेज सॉल्यूशंस, फिर क्लिक करोगे तो नो मोर क्वेरी रिचार्ज ऑन द गो, फिर नेक्स्ट पे स्ट्रीमलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट, और यहाँ पे आपको लास्ट में स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग करके आएगा और गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे कहेगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके आप अपने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। आपके उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है। OTP जैसे यहाँ पे फिलअप करोगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा, प्लीज गिव सम मोर डिटेल्स अबाउट यू। तो यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर कर देना और आपका जो ईमेल ID उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से जो DMRC मोमेंटम 2.0 का जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज आपका हिंदी में आ जाएगा, तो यहाँ सारी चीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आपको लगता है कि सारी चीजें समझ पाओगे, उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे फर्स्ट पे है मेट्रो सर्विसेस, सेकंड पे है रिचार्ज एंड पे बिल, थर्ड पे है अदर सर्विसेस, और लास्ट यहाँ पे है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो दिल्ली मेट्रो का मैप है आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, टिकट स्कैन और लॉकर, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं मेट्रो सर्विसेज की। प्लान योर जर्नी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे डिपार्ट फ्रॉम डेस्टिनेशन, तो अगर यहाँ पे मैं डिपार्ट फ्रॉम की बात करूँ, अगर मैं किसी मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बदरपुर में मान लो मेट्रो स्टेशन जो मेरे नियर बाई में यहाँ पे हूँ, और मेरे को जाना है कहाँ पे, यहाँ पे नेहरू प्लेस जाना, तो मैं यहाँ पे नेहरू प्लेस सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, टाइप करूंगा। डेट और टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एडवांस फिल्टर के यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शॉर्टेस्ट रूट और मिनिमम इंटरचेंज। अब यहाँ पे शो रूट एंड फेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेट्रो का मैप दिखाई देगा, और थोड़ा सा इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी इसके शॉर्टेस्ट रूट होंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। कितना चार्जेस लगेगा वो दिखाई देगा, कितने स्टेशन वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे को बदरपुर से जाना है नेहरू प्लेस, जितने स्टेशन होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि शो ऑल 7 स्टेशन, तुगलकाबाद, मोहन स्टेट, सरिता विहार, ये सारे स्टेशन है, इन दोनों स्टेशन के बीच में पड़ेगा, ठीक है। आपको कौन सी लाइन पकड़ने, यहाँ पे वायलेट लाइन दिखाई दे रहा है, टुवार्ड्स कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाली जो भी मेट्रो है आपको पकड़ना होगा वायलेट लाइन से। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर भी दिया हुआ है, किस प्लेटफॉर्म नंबर से आपको ये मेट्रो मिलेगी। तो सारी डिटेल इस ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्लान योर जर्नी में आप डिपार्च और डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो भी मेट्रो की रूट्स लाइन होंगी और कितना टाइम लगेगा, कितना किराया लगेगा, वो सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। अब सेकंड पे बुक QR टिकट, तो यहाँ से अगर आप कोई QR टिकट बुक करना चाहते हो तो डिपार्च फ्रॉम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वही एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर, और डेस्टिनेशन में मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे को अगर जाना है नेहरू प्लेस तो नेहरू प्लेस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे शो फेयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंक्लूड एयरपोर्ट लाइन 18 मिनट 30 रुपीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड लाइन भी दिखाई देगा और यहाँ पे कितने टिकट चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे अभी क्या है ना कि QR टिकट का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, बट ये कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आई थिंक हो सकता है ये यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ से अपना कोई QR टिकट भी बुक कर सकते हो मेट्रो का। थर्ड पे स्मार्ट कार्ड टॉपअप, अगर अपने कार्ड का टॉपअप करना चाहते हो तो कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा और जो आपका नेम वो डाल के यहाँ पे सेव कर दोगे, जो आपका मेट्रो कार्ड का स्मार्ट कार्ड हो यहाँ से आप उसको टॉपअप भी कर पाओगे। रेंट है, लॉकर है, यहाँ पे अगर कोई लॉकर रेंट पे लेना चाहते हो मेट्रो के अंदर तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेशन सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे दिया है फेयर कैलकुलेटर, अगर आप जानना चाहते हो किसी मेट्रो स्टेशन के बीच का जो भी फेयर हो कितना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको, सर्च कर लेता हूँ बदरपुर से, मैं अगर यहाँ पे तुगलकाबाद टाइप कर लेता हूँ, तुगलकाबाद देख लेता हूँ कि तो यहाँ पे कितना फेयर लगेगा। कैलकुलेट फेयर पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल फेयर 10 रुपया, स्पेशल फेयर भी यहाँ पे 10 रुपीज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कहीं पे अगर जाना चाहते हो उस स्टेशन के बीच का जो भी फेयर है या किराया कितना रुपया है, यहाँ से आप क्लिक करके जान सकते हो। तो यहाँ पे एक कोरियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी को कोरियर भी कर सकते हो। तो दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब यहाँ पे कैसे कुरियर करना होगा, कुरियर करने के लिए रिसिपिएंट डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा, पिन कोड यहाँ पे डाल देना होगा, देख लेना है कि उस एरिया में या उस पिन कोड पे ये अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अवेलेबल है, यहाँ पे इंटर रिसीवर नेम, रिसीवर फोन नंबर, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दिल्ली, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर सेंडर डिटेल, जो भी यहाँ पे सेंड कर रहा है उसका डिटेल यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, पैकेज का डिटेल में यहाँ पे जो चीज आप भेज रहे हो उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप कुरियर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे रिचार्ज एंड पे बिल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कोई रिचार्ज भी कर सकते हो, उसका बिल भी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अदर सर्विसेज में आपको टूर गाइड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो दिल्ली के अंदर आप कहीं घूमना चाहते हो तो जो भी घूमने की जगह है जैसे टूर करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, हौज खास, रेड फोर्ट, लोडी, जंतर मंतर, जामा मस्जिद, पुराना किला, इस्कॉन टेम्पल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, कालका जी मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, बहुत सारे यहाँ पे आपको टूर करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस मिल जाए। तो आप यहाँ पे अगर दिल्ली के अंदर आते हो तो इन सब जगहों पे घूम सकते हो। अगर आपको लाल किला घूमना है तो इस पे रेड फोर्ट पे क्लिक करोगे तो जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो आपको दिखाई देगा लाल किला के नाम से जाना जाता है, वो ये लाल किला से 0.26 किलोमीटर है, जो कि रेड फोर्ट से 4 मिनट लगेगा आपको मेट्रो स्टेशन से अगर वॉक करके जाओगे तो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 0 मिनट यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर आप किसी और जगह पे घूमना चाहते हो जंतर मंतर, तो यहाँ पे जो उसके नियरेस्ट मेट्रो है पटेल चौक है, 0.55 किलोमीटर है, यहाँ पे 8 मिनट लगेगा अगर आप वॉक करके जाओगे तो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई टूर करना चाहते हो दिल्ली के अंदर क्या क्या चीजें हैं घूमने के लिए, तो यहाँ से आप टूर गाइड पे क्लिक करके एक गाइडेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे दिया है लॉस्ट एंड फाउंड, इस पे आपको क्लिक करना है, अगर आपको कोई चीज मेट्रो के अंदर खो गया तो यहाँ से आप उसका रिपोर्ट कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे आपका आइटम और यहाँ पे नेम, क्वांटिटी, कौन सी स्टेशन पे ये हुआ है, उसका सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका एक कंप्लेंट रेज हो जाएगा, ठीक है, आप रिपोर्ट कर दोगे तो यहाँ पे अगर आपका कोई आइटम है जो कि खो गया था, अगर मिल जाता है तो यहाँ पे रिपोर्ट फाउंड आइटम पे क्लिक करना होगा, उसमें पूरा उस आइटम का डिटेल यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा, तभी जाके आपका जो आइटम है वो आपको हैंड ओवर किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा आपको कलेक्ट कैसे करना है अगर कोई आपका लॉस्ट आर्टिकल या कोई आइटम है, तो यहाँ पे लिखा है विजिट कस्टमर केयर सेंटर अप नियर बाय स्टेशन विद इन 48 आवर्स, और यहाँ पे आपको अपना कोई एक फोटोकॉपी ओरिजिनल यहाँ पे लेके जाना होगा कलेक्ट करने के लिए। अदर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे DMRC का अगर हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेट्रो लाइन्स, इस पे क्लिक करोगे तो जो भी दिल्ली मेट्रो के अंदर लाइन्स है मेट्रो की वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, और लाइन 4 भी ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, वायलेट, पिंक, मैजेंटा और ग्रे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और रैपिड मेट्रो। अगर आपको रेड लाइंस के बारे में जानना है तो इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी रेड लाइंस के बीच में मेट्रो स्टेशन होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लोगे। अगर आप दिल्ली के अंदर कहीं पे खड़े हो, अगर आपको पता नहीं है कि सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, तो यहाँ पे एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिकली जो आपका मैप है वो यहाँ पे करके दे देगा कि आपके आसपास कौन से मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे नेक्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट मेट्रो टाइम, इस पे क्लिक करोगे अगर आप
जानना चाहते हो किसी स्टेशन के बारे में, वहाँ पे फर्स्ट मेट्रो कब आती है और लास्ट मेट्रो कब आती है, तो डिपार्च फ्रॉम और डेस्टिनेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। डिपार्च का मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बदरपुर से देख लेता हूँ और यहाँ पे डेस्टिनेशन में मैं यहाँ पे नेहरू प्लेस, आप ऐसे जहाँ पे भी जाना चाहते हो उस मेट्रो स्टेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और मेट्रो टाइम पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट मेट्रो लास्ट मेट्रो का टाइमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, आपको उसको एक बार पढ़ लेना है। जैसे पेनाल्टीज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप कुछ गलत काम करोगे मेट्रो के अंदर तो आपको क्या क्या सेक्शन या कौन सी धारा लग सकती है, वो सारी चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेलवे स्टेशन नियर टू मेट्रो, तो अगर आप किसी मेट्रो पे खड़े हो या मेट्रो से बाहर होते हो तो अगर आप देखना चाहते हो इसके आसपास कौन सा रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे आपको देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है, अगर आप न्यू दिल्ली हो तो। और यहाँ पे दिया दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर आप चांदनी चौक पे हो तो यहाँ पे आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा। ये जो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, यानी कि यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में मेट्रो मैप दिया हुआ है, इसको आप ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी मैप यहाँ पे मेट्रो की दिखाई देगी। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये जूम होता जाएगा, कौन सी लाइन कहाँ पे जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन पे यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा, तो वहां से भी इस मैप के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे टिकट के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ से कोई QR टिकट बुक करोगे या कोई टिकट बुक करोगे तो यहाँ पे आपको उसका हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, अगर आप मेट्रो स्टेशन पे तो वहाँ पे QR कोड लगे होते हैं, उस QR कोड को अगर आप टिकट बुक करना चाहते हो उसके थ्रू तो यहाँ से आपको टैप टू स्कैन पे क्लिक करना होगा, तो वहाँ स्कैनर के थ्रू आप एक QR कोड भी बुक कर सकते हो। तो आई होप कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बताई आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक करते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाना।